नमस्कार, मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। जी हां, वो त्यौहार हिंदू धर्म में जो एक बहन और भाई के प्यार को दर्शाता है। देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जो किसी लॉजिक से ना जुड़ा हुआ हो, जो किसी तथ्य से ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो इतना अटूट है, इतना गहरा है कि जिसको शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बहन अपने भाई की कलाई पे एक रक्षा सूत्र बांधती है, एक धागा बांधती है और उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। तो वेद और पुराणों की जो कथाएं हैं उनके अनुरूप द्वापर का जब युग चल रहा था उस वक्त शिशुपाल के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की त्रिजनी उंगली कट गई थी और उससे खून बहना शुरू हो गया। तो वहीं देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे पट्टी बांधी थी, उनके हाथ पे वो कलाई पे जो मैं कहूँ कि रक्षा सूत्र बांधा था ताकि उनका खून ना बहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया और उसी के तहत जब महाभारत का षड्यंत्र रचा जा रहा था और द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ा के उनकी लाज रखी और उनकी रक्षा की। तो तब से ही ये रक्षाबंधन के जो त्यौहार है उसकी परंपरा चलती आ रही है। वहीं पुराणों में एक कहानी और भी है जो राखी या रक्षा सूत्र से जुड़ी हुई है। हुआ ये था कि देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो उस युद्ध को देख के जो इंद्र थे उनकी जो धर्मपत्नी थी देवी सची, उनको बहुत चिंता हुई और वो बहुत व्याकुल हो गई। तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि हे देव, आप देवताओं की रक्षा करें, असुर देवताओं पे भारी पड़ रहे हैं। तो इस युद्ध में देवताओं की जीत के लिए, उनकी विजय के लिए इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक धागा, एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पे बांध देना जिससे उनकी इस युद्ध में विजय होगी। और उसमें हुआ भी ऐसा ही कि इंद्र की विजय हुई। तो तब से ये परंपरा चलती आ रही है कि जब भी कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो उनकी पत्नी या उनकी बहन उनके हाथ पे, उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है, दीपक से उनकी आरती उतारती है और उनकी विजय की कामना करती है। तो आइए अब राखी बांधने की शास्त्रीय विधि के बारे में बात करते हैं। राखी बंधवाते वक्त भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर और बहन का पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से या इस तरीके से बैठने से आपकी राखी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राखी बंधवाते वक्त भाई के सिर पे कोई स्वच्छ कपड़ा या रुमाल रखा होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सिर ढका हुआ होना चाहिए। तो बहन भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधे, उसके बाद उन्हें तिलक करें। तिलक चाहे रोली या फिर चंदन का हो, लेकिन तिलक के बाद कुछ अक्षत उनके माथे पे लगाएं और कुछ अक्षत आशीर्वाद स्वरूप उनके सिर की ओर फेंके। उसके बाद बहन दीप जलाकर भाई की आरती उतारे और एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। तो फिर उसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार या अन्य चीजें देके उनके सुखी जीवन की कामना कर सकते हैं। और वहीं मैं आप सबके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। भगवान श्री विष्णु से आप सबकी राखी अच्छी रहे इस बात की उम्मीद रखता हूँ। ओम नमो नारायण।